आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। Hello everyone, question is, इस question में basically हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें बताना है इनके बेसिस पे कि कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं अब देखो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास यू यू इज ग्रेटर एन इज ग्रेटर टू एल ठीक है पहला स्टेटमेंट ये हो गया हमारा और दूसरा क्या है एल इज ग्रेटर अब हम अगर इन दोनों स्टेटमेंट में देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट को क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास एल कॉमन है तो हम इन्हें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एल से तीन रिलेशन हो जाएंगे करेक्ट है तो देखो सीधा कंक्लूजन पे आते हैं जैसे पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि n इज ग्रेटर हम कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन हमारे कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन है क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री y y होता है राइट right? तो पहले अगर हम कंक्लूजन को एनालाइज करें तो इनको देखें तो यहाँ पर हमारे पास है एन इज ग्रेटर देन वाई वाई इज इक्वल्स टू एन अब इक्वल्स टू में y इक्वल्स टू एन हो या n इक्वल्स टू वाई तो एक ही बात ठीक है तो अब हम चेक करेंगे कि पहले क्या n बड़ा है y से तो यहाँ पर हमारा n का लाई करा है यहाँ पर y का है हमारा यहाँ पर है अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है l कॉमन है अब हमें पता है कि n जो है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू l ठीक है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू l अब l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई तो यहाँ से हमारा ये जो स्टेटमेंट है इस तरह से बिल्ड हो गया ठीक है अब हमें रिलेशन किसके बीच में देखना है एन और वाई के बीच में एन बड़ा है वाई से तो यानी इस स्टेटमेंट में जिसकी साइड ओपन होता है वहां से हमें दूसरी साइड जाना होता है कि एन से हमें कहाँ जाना है वाई पर जाना है ठीक है अब एन हमारा यहाँ है एन से हमें कहाँ जाना है वाई पे जाना है तो इस साइड ओपन है तो ओपन से हम क्लोज की तरफ जाएंगे तो एन से हम एल पे आ गए एल से हम वाई पे आ गए तो यानी कि रिलेशन क्या है करेक्ट है ट्रू है अब इस केस में तो हमारा रिलेशन ठीक आ गया इक्वल्स टू एन पूछा गया अब हमसे तो क्या वाई इक्वल्स टू एन है तो यहाँ पर हमारे पास अगर एन इज ग्रेटर देन एल वाई है तो यानी कि एन बड़ा है वाई से तो एन वाई के इक्वल तो नहीं हो सकता अगर एन वाई से बड़ा है तो करेक्ट है तो यानी कि अगर ये इक्वल है तो ये बड़ा नहीं हो सकता तो इस वजह से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे इन दोनों कंडीशन को मिला देंगे इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर हमारे पास एक कंडीशन आ गया दैट इज एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच में कंक्लूजन क्या आ रहा है रिलेशन क्या बिल्ड हो रहा है यहाँ पर साइन क्या है हमारे पास दैट इज एन इज ग्रेटर भी दोनों कंडीशन को मिला के स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों कंक्लूजन को मिलाकर हमारे पास रिलेशन क्या आया दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई तो यानी इस केस में हमारा आंसर क्या ट्रू होगा हमारे पास आंसर है, है, तो आया एन इज ग्रेटर ऑप्शन दोनों मिलाकर आया दैट हमारा ऑप्शन बेस्ट आंसर होगा दैट इज इज वन और true, या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल्स टू हो सकता है दोनों पॉसिबल नहीं है करेक्ट है? तो यानी ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर ओके थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर